जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे जो भी। और आज हम बात करेंगे जो अपना SSC GT का एग्ज़ाम हो चुका है और आपका ये 10 जनवरी से चल रहा था और 14 फरवरी तक आपका ये चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जिनका हो गया है उनको भी मेरी तरफ से, जिन्होंने अच्छा पेपर किया है सबको बधाई, और जिन्होंने कमी रह गई है, जिनके नंबर कम आ रहे हैं या कम किए हैं, तो उनके लिए ये है कि सबक लो कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को सुधार करना है। देखो और उस गलती का सुधार करो, और जब तक अब सिलेक्शन नहीं होता है रुकना नहीं है, थकना नहीं है और हमको आगे बढ़ते चले जाना है। और आज हम बात करेंगे SSC GT के कट ऑफ पर बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि हम लाइव भी आते हैं, वैसे भी काफ़ी अपने भाइयों का यही रहता है कि सर कट ऑफ कहाँ तक रहने वाली है इस बार, क्योंकि हमने तो इसका सेंटर पे भी जाकर एनालिसिस किया है और अपना जो है वैसे भी एनालिसिस किए हैं, काफ़ी बच्चों से बात भी हुई है, जितने भाई जुड़े हुए हैं हमसे उनके फ़ोन भी आए, उनसे बात भी हुई, और काफ़ी बच्चे अपना जब लाइव रहते हैं तब भी अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखे हैं कि हमारे सर इतने नंबर हैं। तो आप सभी का अब तक के सर्वे के आधार पर आज मैं कट ऑफ बताना चाहूँगा, और आप वीडियो पूरे लास्ट तक बने रहिए, मिलते हैं, ठीक है, देखते रहिए आप लोग वीडियो को, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हम पहले देखो 2021 की भर्ती पे भी नज़र डालते हैं, 2023 पे फिर डालेंगे, ठीक है, और SSC GD एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वैकेंसी की बात कर लें, 2023 मतलब 2021 वाली, फिर 23 पाएंगे, ठीक है। देखो वैकेंसी है 25,271 2021 में, 2023 में वैकेंसी 45,284, लमसम अप्रोक्स डबल जैसी वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद टोटल फॉर्म 71 लाख और टोटल फॉर्म 54 लाख, तो ये भी आप लोग देख लेंगे कि फॉर्म भी काफ़ी कम है, लमसम 17 लाख का अंतर है, ठीक है। इसके बाद में एग्ज़ाम टाइम की बात करें, ठीक है, तो एग्ज़ाम टाइम देखो, जो हमको एग्ज़ाम में टाइम मिला 90 मिनट थे उस टाइम, आपके मिनट हैं 60, और क्वेश्चनों की संख्या घटी है, यहाँ 100 क्वेश्चन थे, यहाँ क्वेश्चन हैं 80, तो 20 क्वेश्चन घटे और उधर मिनट भी 20 घट मतलब 30 घटा दिए, क्वेश्चन 20 घटे मिनट 30 घटा दिए, तो ये भी एक इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा क्या इसका घटना। अप्रोक्स कितने बच्चे थे पर सीट पर, ये भी अब देखेंगे, अब के बच्चे कितने पर सीट पर, तो देखो पिछली वाली में 275 बच्चे एक सीट पर अप्रोक्स थे और अब के जो है 115 एक सीट पर अप्रोक्स है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, इसके बाद में अब इसकी हम कट ऑफ पर बात करते हैं, पिछली वाली कट ऑफ देखते हैं और अब की कट ऑफ। तो ये देखिए दोस्तों हम लिख लिए हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो ये हम यूपी की देख रहे हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो हम यूपी की कट ऑफ पर बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में SSC का एक फंडा और भी है स्टेट वाइज, और जैसे बॉर्डर एरिया नक्सल प्रभावित एरिए तो उसकी कट ऑफ जो अलग रहती है। तो हम आज बात करेंगे यूपी की कट ऑफ पर, जो अपने उत्तर प्रदेश की कट ऑफ पर बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो अपनी 2021 वाली कट ऑफ गई ये गई 66 पे, अनरिजर्व की 66 पे, और ये गई 65 पे OBC 65, और SC गई अपनी 57 और ST गई 50, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ 2021 की थी। अब की वाली पे बात करते हैं, तो ये देखो रोल प्ले इसलिए कर रही है इतना क्योंकि वहाँ समय ठीक था और पेपर का लेवल भी, इस बार पेपर का लेवल जो मैथ था वो लेंदी था और रीजनिंग भी लेंदी थी, क्योंकि उसमें बैठक व्यवस्था वाले क्वेश्चन 10-10 आदमी तक बिठा रहा था, अरे एक नंबर का, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन मतलब और कितने सारे उसमें बिठाने में टाइम लगता है, और क्वेश्चन जो अपने मैथ के थे मैथ के क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बताया, ठीक है। तो अब अनरिजर्व अब की बात करते हैं, 2023 में कट ऑफ क्या रह सकती है अप्रोक्स, यूपी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वैसे अगर आपका हो तो और स्टेट की भी बना लेंगे। तो अनरिजर्व की अब अगर हम बात करें तो देखो 55 से लेके और 60 के बीच में आप लोगों की मेरिट जाती दिखाई दे रही है, 55 से लेके 60 के बीच में, ठीक है। OBC की बात करें तो 52 से लेके 57 तक आपकी मेरिट जाती दिखाई दे रही है, और SC की बात करें तो SC का भी जो हमारा है 50 के अप्रोक्स मान के चलें, 48 से लेकर
52 तक, ये एससी की मेरिट जाति दिखाई दे रही है, और एसटी वालों की तो 45 से लेकर और 48 तक लमसम, यही आप लोगों की मेरिट जाति दिखाई दे रही है। एसटी वाले अगर 45 ही का डाल रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अनरिजर्व 55 से 60 वालों का इस मेरिट लिस्ट में नंबर आराम से आएगा। और यहाँ क्या है, वैकेंसी ऑफ ज़्यादा है, और दूसरी इसमें जो है अभी सिंगल, जैसे पुलिस की भर्ती होती है, पुलिस में क्या करते हैं, मेरिट में सिर्फ 2 गुना बच्चे लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 10 गुना 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है फिजिकल में भी कुछ बच्चे छट जाते हैं, क्योंकि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस है, और हमारे यूपी पुलिस में 25 मिनट में 4800 मीटर की रेस रहती है, तो थोड़ा सा रेस भी रोल प्ले करती है। और इसके बाद में हाइट वगैरह में भी यहाँ ज़्यादा बच्चे छटते हैं, हाइट चेस्ट में भी छटते हैं, वेट में भी छटते हैं, और पुलिस में जो है वेट में नहीं छटते हैं, हाइट चेस्ट में छटते हैं। इसके बाद मेडिकल में यूपी पुलिस में बहुत कम छटते हैं, या मेडिकल उनका अपने डॉक्टर करते हैं, तो वहाँ ठीक ठाक बच्चे छटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान देंगे, और ये अगर आपके नंबर हैं तो आप लोग अपने आराम से इनके बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो अपनी एकदम से बढ़िया से तैयारी करें, और अपना जो है सिलेक्शन की तरफ मेहनत करें। और अब अपना रनिंग, अपना अब तो शरीर की ताकत दिखाने की ज़रूरत है, जैसे आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, रिजल्ट भी चिंता ना करें, कुछ लोग कह रहे हैं रिजल्ट कब तक, तो आपको इसकी भी न्यूज़ बहुत जल्द ही मिल जाएगी दोस्तों। तो अपने इस कैटेगरी में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल अपनी रनिंग तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।